नमस्कार, मैं हूँ छाया मल्होत्रा और आप देख रहे हैं कालका की आवाज़, सबसे आगे सबसे तेज। कोविड 19 से जारी जंग में हरियाणा ने शुक्रवार को बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। प्रदेश की राजधानी से सटे पंचकुला में प्रदेश का पांचवां प्लाज्मा सेंटर स्थापित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शुक्रवार को इस सेंटर का उद्घाटन किया। सेंटर के उद्घाटन के साथ ही यहां प्लाज्मा दान करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। राजीव कॉलोनी निवासी एक दुकानदार ने पहले ही दिन स्वेच्छा से प्लाज्मा दान किया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि पंचकुला जिले में पिछले कुछ दिनों से कोविड 19 संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अभी तक यहाँ ऑक्सीजन और स्टीरॉयड प्रणालियों से उपचार हो रहा था, लेकिन गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों के उपचार में ये दोनों ही प्रणाली कारगर साबित नहीं होती, इसके लिए प्लाज्मा थेरेपी की आवश्यकता रहती है। गुप्ता ने कहा कि पंचकुला में प्लाज्मा केंद्र बनने से अनेक कीमती जानें बचाई जाएंगी। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड 19 के उपचार में अभी तक की सबसे असरदार प्रणाली साबित हुई है। इस थेरेपी से गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों का उपचार किया जाता है। चिकित्सीय अनुसंधानों से प्रमाणित हुआ है कि किसी भी व्यक्ति में जब कोविड 19 का संक्रमण होता है तो शरीर स्वतः कुछ रोग प्रतिरोधक तत्व बना लेता है। इनमें प्रमुख रूप से IgG नाम के एंटीबॉडीज होते हैं जो कोविड 19 से लड़ते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ये एंटीबॉडीज कोपला नामक कन्वेलिसेंट प्लाज्मा में होते हैं। पंचकुला के सिविल अस्पताल में कंसल्टेंट